हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ड एक्सप्रेस। एक्सटेंड कमांड यूज़ करने के लिए सबसे पहले ड्रॉ मॉडिफाइड टूल बार के अंदर एक्सटेंड सेलेक्ट कर देंगे, जैसा कि इसमें देख रहे हैं, या कि सिंपली ई एक्स लिख के इंटर प्रेस कर देंगे। इसके पश्चात एक बार और इंटर प्रेस करेंगे। ध्यान ये रखना है कि सेलेक्ट करने के बाद कमांड को इंटर जरूर प्रेस करना है। उसके पश्चात जिस भी लाइन को हमें एक्सटेंड करना है उसको सेलेक्ट कर देते हैं, जैसे ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, या कि ये जिस भी हम लाइन को एक्सटेंड करना चाहते हैं वो लाइन हमारी एक्सटेंड हो जाएगी, उसको सेलेक्ट कर देना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम एक्सटेंड करने लगते हैं, जैसे ये लाइन को, ये लाइन अब एक्सटेंड नहीं हो पा रही है। रीज़न ये है कि इसके आगे कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लिमिट कहीं तक होनी चाहिए, तभी ऑब्जेक्ट हमारा कोई भी एक्सटेंड होगा। मतलब उसको कहाँ तक एक्सटेंड होना है ये लिमिट होना पड़ेगा। मान लीजिए मैं एक बेसिक एग्जांपल के लिए इस ऑब्जेक्ट के पीछे सर्कल, अब देखिए ये पूरे ऑब्जेक्ट एक लिमिट के अंदर है, तो 100% एक्सटेंड कमांड यूज़ करेंगे अपन। देखिए कोई भी लाइन हम सेलेक्ट करें, देखिए अप टू ये सर्कल, क्योंकि उसके पास लिमिट आ गई है कहाँ तक एक्सटेंड होना है। हर एक लाइन के पास एक लिमिट है। तो ये देखिए इस तरह से हम एक्सटेंड कमांड का यूज़ करते हैं। मान लीजिए कई बार हमें प्रोजेक्शन में काम करना है, तो कैसे यूज़ करते हैं उसको ये देखिए। जैसे आप देख पा रहे हैं हम इस लाइन को एक्सटेंड कर दिए हैं, तो यहाँ आगे बढ़ गई है और ये आगे बढ़ गई है। हमें एग्जैक्ट पोजीशन तक, ऐसी पोजीशन में एक्सटेंड करना है कि ये लाइन यहाँ तक बढ़े और ये लाइन यहाँ तक जाए, मतलब दोनों आपस में अटैच हो जाएं। इसके लिए हम सिंपली एक्सटेंड कमांड यूज़ करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे, और इसमें आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर देंगे और प्रोजेक्ट के अंदर व्यू में जाएंगे। बस इसके पश्चात जैसे ही हम ये देखिए एक्सटेंड कमांड यूज़ करते हैं, देखिए लाइन हमारी वहीं तक एक्सटेंड हो रही है जहाँ तक उसको फर्स्ट रेफरेंस मिल सकता है। जैसे ये येलो लाइन, यदि ये बढ़ेगी तो आगे तक जाएगी, तो ये देखिए यहाँ तक ये मिल गया। फिर हम येलो लाइन को सेलेक्ट करके एक्सटेंड कर देंगे, तो इस तरह हमारी दो लाइन आपस में अटैच हो गई, हमें ट्रिम भी नहीं यूज़ करना पड़ा, और आपस में प्रोजेक्शन, मतलब कंप्यूटर एक तरह से जो उसका प्रोजेक्शन है उस प्रोजेक्शन को कैलकुलेट करके उसको ही एक लिमिट बना लेता है। तो इस तरह से ये प्रोजेक्शन कमांड विथ एक्सटेंड यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो कमेंट ज़रूर करें।